नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक्सरे ऑफिसर सूद सर है। सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ईरान के ऊपर इसराइल ने ऐसे हमला किया है और भारत जहां पे एक तरीके से साइड में होके देख रहा था, और उसने ईरान की मदद के लिए दो वॉरशिप भी भेजे थे जब ईरान ने हमला किया था इसराइल पे, लगभग 3 हफ्ते बाद ये रिप्लाई दिया गया। और ये रिप्लाई ऐसा है कि दुनिया भौचक्की रह गई है कि भैया रडार सिस्टम फेल कर दिए, 100 फाइटर जेट कैसे पहुंच गए ईरान के अंदर। इसराइल से ईरान की दूरी 2000 किलोमीटर, तो सारी चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा ऑपरेशन है, ये 3 हफ्ते बाद ही क्यों किया गया और इसमें किसकी भूमिका थी, क्योंकि 2-3 देश पार करके पहुंचे थे वहां पे। देखिए, जो इसराइल काम करता है बड़ा मेटिकुलसली प्लान करके करता है। जब 67 का वार हुआ था तो एक उसके बाद एक इशू हुआ था कि जो इजिप्ट के अंदर रडार लगे हुए थे रशिया के, इनकी टीमें उतरी एयरपोर्ट पे, रडार को खोला, खोल के अपनी कंट्री में ले गए। आपने देखा होगा किस तरीके से इसराइल ने एक अपने जो इनके जो लोग थे युगांडा से कैसे निकाल के लाए, बहुत बड़ा ऑपरेशन था। फिर आपने देखा किस तरीके से हमास के लोगों को मार रहा है, किस तरीके से हिजबुल्ला पे अटैक कर रहा है, और जब ईरान ने इन पे अटैक किया था तब भी ये सोच रहा था कि क्या करें, लेकिन इसको यूएस ने कहा, जो बाइडेन ने, कि इनके ऑयल इंस्टॉलेशन पे अटैक ना करो। दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा इनके जो न्यूक्लियर आर्म्स है, वहां न्यूक्लियर आर्सेनल है जहां पे इनके बने हुए न्यूक्लियर के जो पावर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के जो प्लांट्स लगे उस पर अटैक ना करो। और रशिया ने कहा था कि अगर आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक करोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इनके लिए चिंता की बात थी, क्या न्यूक्लियर पे अटैक करें, क्या इनके ऑयल इंस्टॉलेशन पे अटैक करें, क्योंकि ईरान ने पहले अपने जहां पे इनका ऑयल निकलता था उसको बंद कर दिया था और वहां पे ऑयल की शॉर्टेज भी हो गई थी। तो इसराइल एक चिंता में था। दूसरी तरफ गल्फ कंट्री वो भी कह रही थी कि भाई आप इनके अगर उस पर अटैक करोगे जहां पे ऑयल निकलता तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर ऑयल पे अटैक करता तो पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ता, क्योंकि ऑयल बहुत महंगा हो जाता और छोटी छोटी कंट्री में बड़ा फर्क पड़ता और यूएस पे फर्क पड़ता। तो यूएस का था कि अगर ऑयल और महंगा हो गया तो जो कमला हैरिस है वो तो जीत ही नहीं पाएगी, वैसे वो जीतेगी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जीतेगी इस टाइम पे, एक हिसाब से काफी हद तक पक्का हो चुका है, वो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन दूसरी बात है कि इसराइल इसी चिंता में था, और इसराइल जब प्लान करता है मेटिकुलसली, देखिए ये नहीं कि आपके ऊपर किसी ने अटैक किया तो आप उसको एकदम जाके राउंड अटैक कर देंगे, सोचा जाता है, प्लानिंग की जाती है, क्योंकि अगर आप जल्दी में कोई अटैक करोगे तो आप फेल भी हो सकता है। आपने देखा होगा जब यहाँ पे वार हुआ था, जब हमारे पुलवामा में अटैक किया था मिलिटेंट्स ने, तो हमने भी बालाकोट में स्ट्राइक की थी, लेकिन बालाकोट की स्ट्राइक हमने कुछ हफ्ते के बाद की, कुछ दिनों के बाद की, और पूरी प्लानिंग के साथ की, और वहां पे हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। उस टाइम पे AEW&C वो प्लेन यूज किए गए थे अपने प्लेन्स को गाइड करने कि तुम्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, वो इंडिया के अंदर फ्लाई कर रहे थे दो, और अब इंडिया ईरान से भी ये लेने, इसराइल से लेने के कोई चक्कर में है, और इंडिया अपने भी जो ये रडार सिस्टम है, जो फ्लाइंग रडार होते हैं, उनको प्रिक्योर कर रहा है ताकि इंडिया तैयार रहे। दूसरी तरफ इंडिया ने और भी तैयारी कर रखी है, 25 सबमरीन बना रहे हैं इंडिया एट $31 बिलियन, साथ में इंडिया ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन बना ली। ये जो हमला किया गया है, 100 फाइटर जेट से हमला किया गया है वहां पर, इतनी कच्ची प्लानिंग तो नहीं हो सकती। और आपने बताया अभी कि ये पूरी तैयारी के साथ करता है, 25 दिन बाद तैयारी। F-35 की महत्वपूर्ण भूमिका रही, 100 फाइटर जेट अमेरिका से जो फाइटर जेट ली उनको मॉडिफाई करने के बाद, उनकी जो टैंक है उसकी क्षमता भी बढ़ाने के बाद, तो ये क्या कितनी प्लानिंग थी और कैसे हुई ये सब? देखिए, प्लानिंग तो इसराइल की परफेक्ट होती है, और अगर लड़ाई में आप परफेक्ट प्लानिंग नहीं करोगे तो फिटोगे। जैसे इनके प्लेन थे F-35, ये 1500 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं टोटल, 1500 750 750, तो 1500 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब जाने के बाद आना भी तो वापस। तो इन्होंने क्या किया, इसको अंदर रिफिलिंग की, जब ये प्लेन हवा में थे तो रिफिलिंग की गई, और ये कहा जाता है जो रिफिलिंग है मोस्ट प्रोबेबली ये की गई इराक के ऊपर, क्योंकि जो रास्ता आता है इनको ट्रैवल करना पड़ता है, वो जॉर्डन से सीरिया जाते हैं, सीरिया से जाते हैं इराक, इराक से ईरान, और इनके पास जो मिसाइल थी प्लेन्स के अंदर उनकी रेंज थी 150 किलोमीटर की या 200 किलोमीटर की मिसाइल्स भी थी, ताकि आपको अंदर ना जाना पड़े उस कंट्री के, और वहां से इन्होंने इनके प्लेन्स को, जो इनके पास रडार लगे हुए थे, इनके पास E3 रडार्स है जो इन्होंने प्लेन के ऊपर माउंट किए हुए थे, उनसे उनके जो रडार लगे हुए थे पाकिस्तान के, ईरान के, उसको जैम कर दिया, और उसके बाद वो ट्रैक नहीं कर पाए, क्योंकि इस टाइम पे ईरान के पास, हाँ ईरान के पास S-300 मिसाइल सिस्टम दिया हुआ था, रशिया ने सप्लाई किया था इंडिया, और ये जो सिस्टम है ये 300 किलोमीटर दूर से आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन उससे पहले इनके जो सिस्टम थे ईरान के रडार के सिस्टम थे उनको जैम कर दिया और ईरान को पता नहीं चला। जैसे हमारे पास S-400 मिसाइल सिस्टम है जिससे हम 400 किलोमीटर से प्लेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर उसको जैम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने काम किया। और दूसरी बात है कि ईरान ने इनके सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे काम किया, और ये जब प्लेन गए रिफ्यूलिंग की गई, जब वापस आए फिर इनकी रिफ्यूलिंग की गई। वैसे इंडिया के पास ये फैसिलिटी है, इंडिया भी इस चीज को यूज कर चुका है, यानी कि उड़ते उड़ते प्लेन को रिफ्यूल करना इंडिया के पास कैपेबिलिटी है। और जब ईरान ने इतना बड़ा अटैक कर दिया तो इस ईरान के ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ तो नेचुरली ईरान इस टाइम पे सदमे में है।
लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है कि क्या इसराइल उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक करेगा, वो करेगा तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, इसके अंदर कोई डाउट की बात नहीं है। और अगर इनके ऑयल इंस्टॉलेशन पे अटैक किया तो पूरा गल्फ ईरान इसराइल के खिलाफ हो जाएगा। तो अब जो इसराइल ने अटैक किया सिर्फ उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक किया, सोच समझ के किया अगर, लेकिन ये तो एक बात पक्की है कि इसके ऊपर वार और ज्यादा फैल जाएगा, यानी कि अब एक तरीके से ईरान इसराइल का वार ओपन हो चुका है। और ईरान किस तरीके से इसको रिटेलिएट करता है, क्या क्या उसके पास इतने इक्विपमेंट है, क्या उसके पास इतने सामान है कि इसराइल को काउंटर कर सके, और ये अगर वार फैला तो पूरे गल्फ में नुकसान होगा। लेकिन कुछ भी बात कहिए, क्या इसराइल ने अटैक किया, जो कुछ भी किया, इसका जो मेन इंपैक्ट होगा वो होगा यूएस के इलेक्शन में। और वैसे भी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस टाइम पे ऑफेंसिव है, जीतने की कगार पे पहुंच चुके हैं, और कमला हैरिस वहां पे लैग कर रही है, पीछे चल रही है। और इस अटैक के बाद जो मुस्लिम्स हैं पूरे वर्ल्ड के, जो स्पेशली अमेरिका के अंदर रहते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करेंगे, जो बाइडेन या कमला हैरिस को सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये जो अटैक है इससे एक तो अमेरिका के इलेक्शंस पे असर पड़ेगा, दूसरा गल्फ के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। लेकिन अच्छा, इनके अमेरिका पे तो असर पड़ेगा, लेकिन एक क्वेश्चन पहले मेरा ये है कि इसराइल के ऊपर ईरान ने हमला किया था जब नसरुल्ला मारा गया था, उसका बदला लिया गया था यहाँ पर कि उसको मार के, तो वो तो इसराइल पे भी उनकी जो एक कहते संप्रभुता पे एक तरीके से हमला था, और यहाँ पे ईरान के अंदर घुसे बिना उन्होंने हमला किया। ईरान ने भी वही किया था, मिलिट्री बेसिस थे इसराइल के, वहां पर उन्होंने हमला किया था, इन्होंने भी वही किया है। तो एक तरीके से इसराइल यहाँ पर बचता हुआ नजर आ रहा है कि हम कुछ ऐसा ना करें जिससे कि देश का देश के खिलाफ वो भयंकर युद्ध हो। जवाब दिया है ईरान ने, पहले भी कई देशों पे छोटे मोटे हमले किए, आज तक उसको किसी ने जवाब नहीं दिया था, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इसराइल ने जवाब दिया। क्योंकि इसराइल ने तो पहले भी कहा था हमारी पहुंच से कोई देश बाहर नहीं है, हमारे ऊपर अगर हमारी संप्रभुता पे खतरा होगा, हमारे लोगों पे खतरा होगा, तो हम कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, हमारी पहुंच हर जगह पे है। तो मेरा एक तो ये बात होगी, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे मेन ये है कि भारत ने इसराइल ने जब कहा था कि खबरें आ रही थी कि इनके ऑयल जो है कि जो वहां पे जहां से ऑयल प्रोड्यूस होता है वहां पे करेंगे अटैक, परमाणु हथियार रखते हैं वहां पे करेंगे, उस टाइम पे भारत ने अपने दो वॉरशिप वहां पे भेज दिए थे। कुछ लोगों का कहना वहां पे जो नॉर्मल प्रैक्टिस होती है उसके लिए गए थे, लेकिन आपने बताया था कि वो एक तरीके से मैसेज भी था कि भाई आप इसी तरीके कोई हमला मत करना, इसराइल को ये मैसेज था। अब भारत की भूमिका क्या होगी, और भारत के ऊपर ये अगर ज्यादा बढ़ता है वॉर तो कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, इंडिया का जो रोल है वो न्यूट्रल है, ईरान पे जानता है हम यहाँ पे कोई मेजर रोल प्ले नहीं कर सकते, इसराइल पे जानता है कि इंडिया ने अगर वारशिप भेजे हैं तो उसका भी एक पर्पस होगा, हम ये नहीं चाहते कि इनके ऑयल पे अटैक किया जाए। लेकिन अगर आर्मी के इंस्टॉलेशन पे अटैक किया जाए तो हमारा तो इस पर कंट्रोल नहीं है। और देखिए, एक मैं आप बता दूं कि जब पीएम मोदी इसराइल के अंदर गए थे तो ईरान को कोई दिक्कत नहीं थी, जब ईरान के अंदर गए थे तब इसराइल को कोई दिक्कत नहीं थी। तो पीएम मोदी या इंडिया ने एक बैलेंस बना के रखा है दोनों कंट्रीज के बीच में, यानी कि एक दूसरे से कोई नफरत ना करे, वो आपस में लड़े तो कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी लिमिटेशन है, जब पीएम मोदी गए थे इसराइल के अंदर एक सेपरेट उनकी मीटिंग हुई थी, वो गए थे पैलेस्टाइन के अंदर, और जब वो पैलेस्टाइन गए तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आए थे, नेतन्याहू थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, जब ये ईरान गए थे तो पैलेस्टाइन के जो प्राइम मिनिस्टर उनको इंडिया बुलाया गया था। तो इंडिया ने बैलेंस मेंटेन करके रखा इसराइल और इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, दूसरे तरफ इंडिया ने पूरा बैलेंस मेंटेन करके रखा ईरान और इसराइल के बीच में, साथ ईरान और सऊदी के बीच में, तो किसी को हमसे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हम सबके साथ एक डिफरेंट रिलेशंस मेंटेन करते हैं। हम किसी को ये तो नहीं है कि डिफेंस के इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं, हमारे जो रिलेशंस हैं वो बिजनेस रिलेटेड है, हम ऑयल लेते हैं, उनको सामान देते हैं, तो इंडिया के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये सब समझते हैं, जब इस पे G20 की जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, समिट हुई थी रशिया के अंदर, तो वहां पे पीएम मोदी इसराइल के ईरान के प्रेसिडेंट से मिले थे, दोनों की मीटिंग हुई थी, अच्छी बातें हुई थी, क्योंकि हम जो बात करते हैं ऑयल लेंगे, पैसा देंगे इंडियन रुपीज के अंदर, और हम वहाँ के जो चाबार पोर्ट है उसको डेवलपमेंट का बात करते हैं ताकि हम वहाँ के से ट्रेड कर सकें रशियन रिपब्लिक कंट्री से। तो इंडिया के ऊपर मुझे नहीं लगता किसी चीज का इंपैक्ट होगा दोनों का, और इंडिया एक न्यूट्रल रोल प्ले करेगा। देखिए, इंडिया जरूर पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता बढ़ता है तो भारत पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक तो चरबाहा पोर्ट और बाकी जो एक लाइन बन रही थी रशिया तक जानी थी वो ईरान से हो गई गुजरनी थी, और जो ऑयल के प्राइसेस है वो भी, तो युद्ध अगर बढ़ता है तो उसमें भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो INSTC रूट है वो तो सस्पेंड रहेगा, अभी तक उसको चालू करने में तो टाइम लगेगा, जो रशिया से इंडिया के अंदर रूट पड़ना था वो ईरान के थ्रू पास करना था। और अगर चाबार पोर्ट की बात करें, चाबार पोर्ट तो हमने डेवलप कर दिया, हमने उसके आगे जैसे ईरान के अंदर हम जैसे ईरान से हमने वहां पे एक रेलवे लाइन बना दी थी चाबार पोर्ट टू ईरान बॉर्डर जो अफगानिस्तान से लगता है, और अफगानिस्तान के अंदर तो पहले हमने रोड्स बना रखे हैं,
तो हम एक पाइपलाइन स्टार्ट करना चाहते थे, ट्रेड स्टार्ट करना चाहते थे रशियन रिपब्लिक से, वो तो अभी भी नहीं है क्योंकि यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाई है, तो हम रेलवे लाइन नहीं बना पा रहे। और दूसरी बात है कि जब वार चलेगा तो सबको इम्पैक्ट तो पड़ेगा, जनरल टाइप का ऑयल महंगा होगा, ये भी फर्क पड़ेगा, लेकिन इंडिया का डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि इंडिया न्यूट्रल है और ये सब कंट्रियां इंडिया के साथ कोई रिलेशन तो खराब नहीं हुआ, हम तो सबके साथ रिलेशन मेंटेन करते हैं। हमने जो इम्पोर्टेंट कंट्रियां गल्फ के अंदर सबने विजिट किया, पीएम मोदी ने ईरान के अंदर विजिट किए थे, पीएम मोदी बार बार यूएई के अंदर विजिट करते हैं, पीएम मोदी सऊदी के अंदर विजिट कर चुके हैं, पीएम मोदी की विजिट हो चुकी है इजिप्ट के अंदर, और साथ में जो कुछ और कंट्रीज है वहां भी पीएम मोदी विजिट कर चुके हैं। तो हमने सबके साथ रिलेशन अपने अलग तरीके से रखे हैं, हम किसी को बाहर में सपोर्ट नहीं कर रहे, इसराइल को हम कभी सपोर्ट नहीं करते पैलेस्टाइन के इशू पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इशूज हैं मुस्लिम से बहुत से, लेकिन जब हमास ने इसराइल पे अटैक किया तो पहली बार हमने इसराइल को सपोर्ट किया। तो इसके जो जनरल इफेक्ट होगा वो तो होगा, लेकिन हमारे पास कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा इस वार का। अच्छा सर, एक चीज और यहाँ पर, जो टर्की है उसने इराक पर अभी कुछ दिन पहले ही हमला किया था और कई ठिकानों पर उनके हमला किया था, तो एक तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि इसराइल के लिए टर्की ने रास्ता साफ कर दिया था, क्योंकि जाते जाते जब इसराइल के जो फाइटर प्लेन गए हैं वो इराक के कई ठिकानों पर, वहां पे जहां से उन्हें लगता था कि वो खतरा हो सकते हैं वहां पर भी बम गिराते हुए गए हैं, लेकिन इराक पर जो हमला किया था टर्की ने कुछ टाइम पहले, तो इस तरीके से भी देखा जा रहा है। क्या इसराइल और टर्की के संबंध ऐसे हैं कि वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं यहाँ पर? देखिए, दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे इसराइल और टर्की के, लेकिन कुछ देर पहले जब यहाँ पे इसराइल ने यूएई के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए थे तो उन्होंने यूएई को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन जब यहाँ पे हमास के साथ लड़ाई हुई इनकी तो उस टाइम पे टर्की ने अपने जो डिप्लोमेट थे वो इसराइल से वापस बुला लिए थे। दूसरी तरफ ईरान और टर्की की बात करें तो दोनों के रिलेशन कोई अच्छे नहीं है, लेकिन ईरान टर्की से पंगा नहीं लेता क्योंकि ईरान की जितनी भी ट्रेड जाती है यूरोप के अंदर वो टर्की से पास होकर जाती है, तो इसलिए ईरान यहाँ पे एक पीसफुल रोल प्ले करता है अंदर से देखा जाए तो, क्योंकि एक तरफ जो है टर्की वो सुन्नी को सपोर्ट करता है और ईरान के अंदर जो लोग हैं वो शिया हैं, तो आपस में कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं नहीं लगता समझता कि जो ईरान जो टर्की ने इराक के पे अटैक किया वो इस पर्पज के लिए किया, लेकिन क्योंकि वहां पे जो कुछ लोग हैं कर्डिश हैं, कर्डिश जो रहते हैं वो टर्की में भी रहते हैं, इराक में भी रहते हैं, कुछ ईरान के अंदर भी है, और जो इस टाइम पे कर्डिश जो ईरान के प्रेसिडेंट है उनकी जो वाइफ है वो कर्डिश है, लेकिन ईरान के अंदर कर्डिश का कोई ज्यादा इशू नहीं है। दूसरी तरफ इराक में जो कर्डिश है उस पर टर्की कई बार अटैक करता है क्योंकि जो टर्की के अंदर कर्डिश है वो उनकी जो गवर्नमेंट है उसको अपोज करते हैं और इनका लिंक है इराक के कर्डिश के साथ, साथ में जो सीरिया के अंदर कर्डिश है वहां पे भी इनका लिंक है, तो इसलिए जो टर्की का जो पर्पज है वो कर्डिश जगह पे अटैक किया है, और इसका पर्पज ये नहीं कि टर्की यहाँ सपोर्ट कर रहा है, टर्की यहाँ पे किसी भी तरीके से ना इसराइल को सपोर्ट कर सकता है और इसराइल को अपोज तो करेगा क्योंकि वो हमास के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हिजबुल्ला पे अटैक कर रहे हैं, और टर्की ईरान को भी सपोर्ट नहीं कर सकता, वहां पे वो न्यूट्रल रोल प्ले करेगा। तो टर्की ने जो अटैक किया वो कर्डिश जगह पे अटैक किया क्योंकि उसको अपनी कंट्री के अंदर भी इश्यूज हैं इस चीज के, तो टर्की का जो रोल है वो न्यूट्रल रोल है इस वार के अंदर, टर्की किसी भी तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर सकता अपने आप को कि वो इसराइल को सपोर्ट करे। अगर इसराइल को सपोर्ट करेगा तो टर्की का जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि टर्की बनना चाहता है कि ये एक लीडर है इस्लामिक वर्ल्ड का, इसीलिए वो बार बार कभी कश्मीर पे स्टेटमेंट देता, कभी और किसी इशू पे स्टेटमेंट देता, लेकिन टर्की किसी भी तरीके से यहाँ पे वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, न्यूट्रल रोल है उसका, टर्की अपने इंटरेस्ट देखता है, इंडिया अपने इंटरेस्ट देख रहा है। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और सुन सर, जो बम इस्तेमाल किया गया था जब उसको नसरुल्ला को मारा गया था वो वैसा उसी तरीके का बम था जो भारत ने भी इस्तेमाल किया था, ये बात बताई जाती है, जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान पे बालाकोट जब वो किया था। हाँ, तो इसराइल टाइम टाइम पे मदद करता रहा है, तो अगर ऐसी ऐसी टेक्निक है तो डेफिनेटली अगर भारत का चाइना या किसी के साथ भी होता है तो क्या इसराइल भारत के साथ मिलके उनकी मदद करेगा आगे चल के, क्या लगता है? देखिए, इसराइल हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। जब कारगिल हुआ था तो इसराइल ने हमको स्मार्ट बॉम्ब दिए थे, स्मार्ट बॉम्ब को हमने यूज किया था, हमने उनसे कहा भी नहीं, उन्होंने खुद ऑफर किया था। जब कारगिल जब आपका बालाकोट स्ट्राइक हुई तो हमने इसराइल के बॉम्ब यूज किए थे, और ये बॉम्ब क्या है कि ऊपर से प्लेन से फेंके जाते हैं, जब फेंके जाते हैं प्लेन पे से तो मतलब इसको तो दूर से भी मारा जाता है, तो छत से अंदर घुसते हैं, अंदर घुस करके छत को चीर करके ब्लास्ट करते हैं, बिल्डिंग को नुकसान नहीं होता लेकिन जो अंदर लोग बैठे हैं मारे जाते हैं। इसराइल ने जो इस टाइम पे बॉम्ब यूज किए थे हमास के खिलाफ, वो बॉम्ब और ज्यादा पावरफुल थे, उससे 3 गुना ज्यादा पावरफुल थे, जो और ज्यादा पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो हमारे को जो भी चीजें मिलती है इसराइल देता है। जब हमारा चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा था तो हमें यहाँ पे जरूरत है डिफेंस सिस्टम की, कभी वार हो सकता है, तो इसराइल ने डोम सिस्टम हमें दिए,
दो डोम सिस्टम दिए उन्होंने, साथ में उनके इंजीनियर्स यहाँ पे आए और साथ दोनों के ड्रोन सिस्टम को यहाँ पे इंस्टॉल किया और हमारे इंजीनियर्स को यहाँ पे ब्रीफ किया, उनको मतलब पूरी की पूरी ट्रेनिंग दी और हम उसको यूज कर रहे हैं। इसराइल हमेशा इंडिया के साथ है। देखिए जहां तक हम बात करते हैं भूटान की, भूटान हमारा उसकी फॉरन पॉलिसी इंडिया देखता है, लेकिन हम ना तो हमने यूएस की एम्बेसी वहां खुलने दी, ना हमने खुलने दी रशिया की एम्बेसी, ना हमने खुलने दी वहां पे चाइनीज एम्बेसी, ना ब्रिटेन की एम्बेसी, वहां पे कुछ लिमिटेड कंट्रीज की एम्बेसी है, लेकिन रिसेंटली दो महीने पहले एक महीने साल पहले वहां पे इसराइल की एम्बेसी खोली गई। और इसराइल की एम्बेसी इसलिए खोली गई कि हमें इसराइल से कोई खतरा नहीं है। और इसराइल वहां पे क्या कर रहा है, भूटान के बॉर्डर के ऊपर एक तो हमारी आर्मी खड़ी है, साथ में इसराइल की जब एम्बेसी खुली है तो वहां के उनके इंजीनियर्स बॉर्डर के ऊपर लिस्टिंग पोस्टें लगा रखी है ताकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे चाइनीज मूवमेंट की। तो इसराइल इंडिया को हमेशा सपोर्ट करता रहा और इंडिया को किसी भी सिचुएशन के अंदर सपोर्ट करेगा, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर एक अकेली कंट्री है जो यहूदी कंट्री है, और इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर एक अकेली, एक हिसाब से हमारे पास कुछ आप कह दीजिए नेपाल वगैरह कह दीजिएगा, मॉरिशस कह दीजिए आप मॉरिशस कह दीजिएगा, बाकी तो देखा जाए तो इंडिया अकेली कंट्री है। तो इसराइल और इंडिया के रिलेशन आप देखा जाए वैसे भी बड़े अच्छे माने जाते हैं। जो इसराइली इंडिया के अंदर रहते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं है। इवन जो ईरान से जो यहाँ पे लोग आए थे जब यहाँ पे इस्लामिक रूट आ गया था वो भी इंडिया के अंदर रहते थे, टाटा भी देखा जाए तो ईरानियन थे। तो बहुत से जो हमारे बिजनेसमैन है टाटा बिरला जैसे, ये ईरानियन ओरिजिन के हैं लेकिन ये इंडिया के लॉयल थे। उसी तरीके से जो यहूदी इंडिया के अंदर यहूदी बैठे हैं इंडिया के अंदर, उनसे ना तो हम नफरत करते हैं ना उनको हमारे से कोई इशू है। तो यहाँ पे आप कोई बात कह लीजिएगा कि ईरान या इसराइल, हमें दोनों से अच्छा दोस्ती है हमारी और हमें कोई इशू नहीं है ना इनको हमारे साथ कोई इशू है। मतलब कुल मिला के अब भारत पर ना कोई ऐसा असर पड़ने वाला है कि भारत यहाँ पे क्या भूमिका निभाएगा। हाँ अगर वर्ल्ड ये वॉर आगे बढ़ता है तो उसमें सब देशों पर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, लेकिन भारत इसराइल के साथ अपने संबंध मेंटेन करके रखता है, ना उस बाहर आके इस तरीके से बात करता है, लेकिन दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो देखते हैं कि आने वाला वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा, लेकिन जो इसराइल ने जो जवाब दिया है देखते हैं उसका ईरान किस तरीके से जवाब देता है, क्योंकि बाइडन ने बोल दिया है कि जवाब देने की गलती मत करना। तो आने वाले वक्त में देखते हैं कि आगे क्या होगा। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए और सारी जानकारी शेयर करने के लिए। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। मेरा भारत महान।